डलमऊ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत में कान्हा गौशाला का निर्माण शासन द्वारा कराया गया, जिससे आसपास की बेसहारा गायों को आश्रय मिल सके। शासन ने गौशाला निर्माण हेतु 165.89 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय राशि स्वीकृत की गई, जिसमें प्रथम किस्त 82.95 लाख का अनुदान ही मिल सका। शेष लगभग एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी द्वितीय किस्त की धनराशि नहीं प्राप्त हो सकी है, जिससे गौशाला में नाली इंटरलॉकिंग, कर्मी सेट आदि कई काम अधूरे पड़े हैं। गौवंशों के चारों हेतु हरा चारा कतरने की मशीन आदि का काम शेष पड़ा हुआ है, जिससे गौशाला में उपस्थित लगभग 250 गायों के भरण पोषण का जिम्मा नगर पंचायत किसी तरह वहन कर रही है। इतना ही नहीं, लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद भी गायों के भूसे, दाने व उनके भरण पोषण आदि के लिए शासन से मिलने वाले अनुदान की राशि भी लगभग 9 महीने से नहीं मिल पाई है। जब इस विषय में नगर पंचायत अध्यक्ष ब्रजेश दत्त गौर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गौशाला निर्माण व गायों के भूसे व दाने के प्रबंध हेतु मिलने वाले अनुदान के लिए शासन को नगर पंचायत की ओर से पत्र लिखा जा चुका है। शासन द्वारा जैसे ही धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, नगर पंचायत तत्काल प्राथमिकता से गौशाला के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराने हेतु प्रतिबद्ध है। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी डलमऊ से हर्षित त्रिपाठी के साथ।